हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 7th of March। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड वॉज कन्फर्ड टू विच इंस्टीट्यूशन दिस ईयर, आपसे पूछा जा रहा है। केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड पुरस्कार किस संस्थान को प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन हैं REC, NTPC, ONGC या गेल, और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। NTPC को ये अवार्ड दिया गया है फॉर द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन पावर, और ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है द रोल ऑफ द लार्जेस्ट पावर स्टेशन इन इंडिया। CBIP, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर, इसकी बात करें तो ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जिसको सेटअप किया गया था 1927 में, एंड इट प्रोवाइड्स सर्विसेज रिलेटेड टू द फील्ड्स ऑफ पावर, वाटर रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया होम प्राइस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, आपसे पूछा जा रहा है अखिल भारतीय गृह मूल्य सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑल इंडिया होम प्राइस इंडेक्स जारी किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री इज होस्टिंग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन दिस ईयर, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा देश इस वर्ष 2023 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की मेजबानी कर रहा है? आपके ऑप्शन हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया या कनाडा, और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। न्यूजीलैंड इस वर्ष होस्ट करेगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन फोरम की बैठक को। ये फोरम इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में, और इसका एम है टू क्रिएट ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल ऑफ द रीजन। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि इसके टोटल 21 मेंबर्स हैं पर भारत इसका मेंबर नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, आपसे पूछा जा रहा है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी से संबंधित कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2007, सेकेंड इट हैज 25 मेंबर्स एंड 9 कंट्रीज एज ऑब्जर्वर, थर्ड द इनॉग्रल एडिशन वॉज हेल्ड इन 2008 एट न्यू दिल्ली, फोर्थ इट वर्क्स फॉर कॉपरेशन एंड कोलेबोरेशन अमंग नेवीज ऑफ लिटोरल स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन। और इसमें आपका जो स्टेटमेंट रॉन्ग है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, बाकी तीनों ही स्टेटमेंट सही है। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 23 हैं और ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं 9। 23 मेंबर कंट्रीज़ में हैं बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान, सेसेल्स, श्रीलंका, ईरान, ओमान, सऊदी अरब, UAE, फ्रांस, कीनिया, मॉरिशस, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, इरिट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड और तिमोर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, India signed an MOU in the field of agriculture and allied sector with which country? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्र में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शन हैं चिले, ब्राजील, इजिप्ट या चाइना, और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए,
भारत ने अभी कृषि और संबद्ध क्षेत्र में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है चिली के साथ। और चिली एंड इंडिया एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप विल बी सेट अप विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन रिव्यू एंड असेसमेंट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MOU एज वेल एज फॉर इस्टेब्लिशिंग फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ कंट्रीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज, आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं पेरिस, जिनेवा, न्यू दिल्ली या ब्रुसेल्स, और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का मुख्यालय पेरिस में है। अभी हाल ही में फरवरी 21 से 23 के मध्य 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस का आयोजन किया गया था, जिसका आयोजन किया था RPF ने राजस्थान के शहर जयपुर में। और ये वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस जो है ये संबंधित होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज से। इसके साथ ही बात करें तो RPF इज अ प्राइम सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इन द फील्ड ऑफ रेलवे सिक्योरिटी इन इंडिया, और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1957 में फॉर बेटर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर विल द इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 बी ऑर्गेनाइज ऑन 21 जून, आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग मेला 2023 21 जून को कहां पर आयोजित किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं राजकोट, मुंबई, ऋषिकेश या बीकानेर, और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋषिकेश में इसका आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच स्टेट डिड द फर्स्ट वुमेन बिकम एन MLA इन द स्टेट्स हिस्ट्री, आपसे पूछा जा रहा है राज्य के इतिहास में पहली महिला किस राज्य से विधायक बनी है। अभी हाल ही में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं तो ये उनसे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं असम, नागालैंड, केरला या ओडिशा, और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड की पहली महिला विधायक या MLA बनी है हिकानी जखालू, और ये नागालैंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट डिफीटेड महाराष्ट्र टू विन सीनियर वुमेन्स 13th नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023, आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य ने महाराष्ट्र को हरा कर 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीती है। आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश, और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश की टीम ने महाराष्ट्र को हराकर 13th राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीत लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच सिटी वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड मार्केटिंग ऑफ कोकोनट प्रोडक्ट्स हेल्ड रिसेंटली, आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई या अहमदाबाद, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन से संबंधित सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।